हेलो, गुड आफ्टरनून। मेरा नाम अजय कुमार है और मेरा स्टार्टअप का नाम बोधिका है। बोधिका जैसे कि एक बिहार से लिंक उन्होंने एक ब्रांड बनाया है, बिहार खुद बोधिका, तो बेसिकली स्किन केयर पे काम करते हैं। जहाँ तक आप लोग अभी जैसे जान रहे हैं कि जितना इन्वायरमेंट पोल्यूटेड हो चुका है, कहीं ना कहीं हमारा स्किन इससे मतलब इफेक्ट होता है, क्योंकि वाटर पार्ट ऑफ स्किन रहता है। और आजकल जो मार्केट में जो भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट जो भी चल रही है, केमिकल बेस्ड चल रही है, कहीं ना कहीं हमारी स्किन को ये रब कर रही है, खराब कर रही है, बहुत सारे स्किन डिजीज कॉज कर रही है। तो हमारा स्टार्टअप इसी के छोटा सा कदम हम लोग काम कर रहे हैं। तो जहाँ तक हमने एक शॉप डेवलप किया है जो कि ऑर्गेनिक बेस्ड शॉप है। मार्केट में क्या है, दो तरह की शॉप है, एक तो नॉर्मल जो जो रेगुलर यूज करते हैं, एक ऐसा शॉप है जो कि काफी मतलब कि अप्रोच नहीं कर पाते, 300 400 के शॉप होते हैं जो कि ऑर्गेनिक बेस्ड होते हैं। बट हमने एफोर्डेबल और इकोनॉमिक ऐसा शॉप बनाया है ताकि वो नॉर्मल लोग इसे यूज कर सकते हैं। मे बी 100 150 का प्रोडक्ट बनाया ताकि अच्छी चीज़ें जो है। और ये है, दूसरा है कि ऑयल बेस्ड सोप है, इसमें किसी तरह कोई केमिकल्स या हार्श केमिकल या सल्फेट जो भी यूज होते हैं उस तरह सोप नहीं होते हैं, जो कि स्किन फ्रेंडली है और स्किन को जो एक प्रिवेंटिव कॉज लेवल होती है उसको सोल्व करती है। और अभी हम लोग जस्ट इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, जस्ट AI बेस्ड इंटीग्रेट करने वाले हैं, दैट मीन्स पर्सनलाइज लिख जाने वाले हैं। दैट मीन्स कि एक ऐसा हमारा ऐप होगा जो कि स्किन को ऑडिट करेगा, जहाँ स्पॉट या कुछ ऐसा चीज़ होने वाले होते हैं उसके अकॉर्डिंगली हमारे जो एक टीम है उसके एक पर्टिकुलर स्किन की अकॉर्डिंगली उसको उस पर डेवलप करके उसको उसके होम डिलीवरी तक पहुँच जाएगी। हमारा ये स्टार्टअप है। और हमें जहाँ तक MSME की बात है, लगभग पिछले 1 साल से जुड़े हुए हैं। इनके इसके पहले भी प्रोग्राम हुआ था EDP का, वहाँ भी हम लोग 5 डेज का था, वहाँ भी लिया था। और अभी टैक्सेशन पे, क्योंकि सर ऐसा चीज़ है टैक्सेशन, हमें हर महीने या हर वीक कहीं ना कहीं इसको हमेशा यूज में होता ही है। तो अभी क्या है कि अवेयरनेस जो है, अवेयरनेस और स्टार्टअप होना चाहिए। ऐसे तो कुछ ऐसे काम होते हैं इसलिए करते ही हैं, बट ऐसा कुछ होते हैं कहीं ना कहीं एक गलतफहमी में होती है, कहीं पैसे ज़्यादा होता है कम होता है या कुछ हो सके हम लोग समझ भी नहीं पाते हैं। तो एक अवेयरनेस होना और सही चीज़ को जानना एक फाउंडर के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और मुझे लगता है कि इस दिशा में जो MSME बहुत अच्छा मतलब कि हम लोग को सपोर्ट कर रही है कि ताकि हम एटलीस्ट उस चीज़ को जान पाए, ताकि हम अपने जो एक क्या करना है, क्या नेक्स्ट कदम और उठाना है, कैसे इसको समझ कर पाए, कैसे अपने पैसे एटलीस्ट सेव कर पाए। कल रवि कंसर बता रहे थे कि इसकी कुछ ऐसा चीज़ है कि स्टूडेंट वो खुद भी मतलब अर्न करें इस चीज़ को सीख के, तो ये बहुत अच्छा, मुझे अच्छा लगा उस चीज़ को। क्योंकि सपोज है कुछ पैसे अगर दिया अगर खर्च कर पा रहे हैं, अगर यदि वो चीज़ टेक्निकली कुछ ऐसा चीज़ है अगर यदि हम लोग सीख लेते हैं तो हम लोग अपने कर पाते हैं।